हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 7 सॉल्व करेंगे, जो मैंने मिलियन माइंड्स इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट से लिया है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 to 6 मैं अपलोड कर चुकी हूँ। जो आपने नहीं देखा है और देखने के इच्छुक हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जा करके देख सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इज अनसीन पैसेज, तो इसको आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर हम इसके क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करेंगे। सो फॉर द पास्ट सेवरल ईयर्स साइंटिस्ट हैव इश्यूड ओमिनस वार्निंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ द अर्थ क्लाइमेट। प्रेडिक्शंस ऑफ ड्रामेटिक ग्लोबल चेंज अराइजिंग फ्रॉम द कंटिन्यूड डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट्स इन टू द एटमोसफेयर एंड फॉरेस्ट लॉस ऑफ मैसिव स्केल एटमोसफेयर एंड फॉरेस्ट लॉस ऑफ मैसिव स्केल कैन नो लॉन्गर बी इग्नोर्ड। कंपेलिंग साइंटिफिक एविडेंस स्ट्रॉन्गली सजेस्ट दैट वर्ल्ड क्लाइमेट पैटर्न्स previously regarded as reliably stable could be thrust into a state of turmoil. Emissions of natural and synthetic gases are increasing the heat trapping capacity of the atmosphere through a phenomenon known as the greenhouse effect. The projected impacts of this worldwide climatic disruption dwarf many of the environmental problems of the past. ये हमने अनसीन पैसेज पढ़ लिया है। आप इसको अगर वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिए। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट कैन नो लॉन्गर बी इग्नोर्ड। अब आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और देखिए आप कितना स्कोर इसमें कर पा रहे हैं। सो क्वेश्चन 1, व्हाट कैन नो लॉन्गर बी इग्नोर्ड। सो ऑप्शंस आर ड्रामेटिक एटमोस्फेरिक चेंज, बी डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट्स, सी प्रेडिक्शन ऑफ ग्लोबल चेंज एंड डी मैसिव फॉरेस्ट लॉस। सो आई होप आपने सही आंसर फाइंड आउट कर लिया होगा। जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी प्रेडिक्शंस ऑफ ग्लोबल चेंज। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो सेकंड क्वेश्चन इज ओमिनस इन लाइन फर्स्ट मींस। सो फर्स्ट लाइन में यहाँ पे ओमिनस वर्ड दिया हुआ है, हमें उसका मीनिंग ढूंढना है। यहाँ पे दिया हुआ है ये ओमिनस। सो ओमिनस वार्निंग, तो हमें ओमिनस का यहाँ पे वर्ड फाइंड आउट करना है कि इसका मीनिंग क्या है। सो ऑप्शंस आर क्लियर, बी इनऑस्पिशियस, सी डिटेल्ड एंड डी फ्रीक्वेंट। सो जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी इनऑस्पिशियस। देन क्वेश्चन नंबर 3, प्रोजेक्टेड इन द लास्ट सेंटेंस मींस ए एक्सपेक्टेड, बी प्रपोज्ड, सी स्टेटेड एंड डी एप्रीहेंडेड। सो लास्ट लाइन में वर्ड दिया हुआ है प्रोजेक्टेड, अब हमें बताना है इसका जो मीनिंग है वो क्या है। सो सही आंसर है डी एप्रीहेंडेड। देन क्वेश्चन नंबर 4 इज द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ फिनोमिनन दैट इंक्रीजेज। सो ए एमिशन ऑफ नेचुरल गैस, बी एमिशन ऑफ सिंथेटिक गैस, सी प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड डी रिटेंशन ऑफ हीट। सो द करेक्ट आंसर इज डी रिटेंशन ऑफ हीट। देन क्वेश्चन नंबर 5, दैट वुड क्लाइमेट पैटर्न्स विल चेंज ड्रास्टिकली एज। ऑप्शन ए प्रोबेबल, बी इम्प्रोबेबल, सी पॉसिबल एंड डी इम्पॉसिबल। सो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी पॉसिबल। पॉसिबल इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 इज द ग्रीक टर्म मेओसिस स्टैंड फॉर। जो ग्रीक टर्म है मेओसिस, उसका हमें मीनिंग बताना है यहाँ पे। सो ये किसके लिए स्टैंड करती है यहाँ, इट्स अ हाइपरबल,
एन अंडरस्टेटमेंट, सी मॉडरेशन इन स्टाइल एंड डी इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, करेक्ट आंसर इज बी एन अंडरस्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 7, ही इज अ डैश इंस्पेक्टर। सो इसमें हमें बताना है कि इन चारों वर्ड्स में से इसमें कौन सा वर्ड ज़्यादा सूटेबल है। ही इज अ रिटायरिंग इंस्पेक्टर, रिटायर्ड इंस्पेक्टर, रिटायर इंस्पेक्टर और रिटायरेंट इंस्पेक्टर। सो इसमें क्या आएगा, करेक्ट आंसर इज बी रिटायर्ड इंस्पेक्टर, क्योंकि रिटायरिंग होता है रिटायर होता हुआ, कोई होता हुआ तो रिटायर नहीं होता, रिटायर्ड हुआ इंस्पेक्टर है वो, सो दैट इज रिटायर्ड, बी इज करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 8, द डैश ऑब्जेक्ट टर्नड आउट टू बी अ स्पिनिंग टॉप। सो यहाँ हमें बताना है कि करेक्ट वर्ड इनमें से कौन सा होगा। सो ए मोमेंटिंग, बी मूव्ड, सी मूविंग एंड डी मूवेबल। सो क्वेश्चन नंबर 8, करेक्ट आंसर विल बी सी मूविंग। मूविंग ऑब्जेक्ट टर्नड आउट टू बी अ स्पिनिंग टॉप। देन क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द करेक्ट जेरंड फॉर्म टू रीराइट द सेंटेंस। अब यहाँ सेंटेंस दिया है, हम इसको रीराइट करना चाहे जेरंड यूज करके, तो कौन सा जेरंड हम इसमें यूज करेंगे। सो सेंटेंस इज इफ यू चीट मी यू विल गेट नथिंग। सो ऑप्शन ए चीटेड, बी बाय चीटिंग, सी चीटिंग एंड डी एज चीटिंग। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी बाय चैटिंग। सो बाय चीटिंग होता है यहाँ पे, इसके प्लेस पे हम बाय चीटिंग लगा सकते हैं, बाय चीटिंग यू विल गेट नथिंग, बाय चीटिंग मी यू विल गेट नथिंग। ओके, बी इज करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। लेट मी हैव नो टेम्परामेंट फॉर द टाइम बींग ओनली फ्रॉम एन इम्पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इफ देयर बी सच अ थिंग एम आई गोइंग टू गेट इवन अप्रोक्सीमेटली एट द ट्रूथ। सो हु सेड, अब हमें बताना है जो स्टेटमेंट दी हुई है यहाँ पे ये किसने बोली है। ऑप्शंस आर ए सॉ, सॉ मीन्स यहाँ जी बी सॉ है यहाँ, बी इब्सेन, सी गाल्सवर्दी एंड डी मिल्टन। सो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सी। देन क्वेश्चन नंबर 11, सो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म की हमें साइंटिफिक स्टडी बतानी है। सो ऑप्शंस आर ए बायोकेमिस्ट्री, बी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सी जूलॉजी एंड डी बायोलॉजी। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी बायोलॉजी। देन क्वेश्चन नंबर 12, वन हु लिव्स फॉर मोर देन 100 ईयर्स। सो जो 100 ईयर से भी ज़्यादा जीता है उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा यहाँ, ए सेंट, बी मेटेओरोलॉजिस्ट, मेटेओरोलॉजिस्ट, सी डेमागोग एंड डी सेंटेनरियन। सो द करेक्ट आंसर विल बी डी सेंटेनरियन। सो सेंटेन यहाँ जहाँ सेंट यूज हो जाता है वो हमारा 100 के लिए यूज होता है। देन क्वेश्चन नंबर 13, विच प्ले डील्स विद द इनएडिक्वेसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड द एटीट्यूड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल टूआर्ड्स एन एस्केप्ड प्रिजनर। अब हमें देखना है इसमें कौन सा जो प्ले जो डील करता है इन एडिक्वेंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड द एटीट्यूड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल टूआर्ड्स एन एस्केप्ड प्रिजनर। जो एस्केप्ड प्रिजनर होते हैं, भागे हुए कैदी होते हैं, तो उनके लिए जो लोगों का जो नज़रिया होता है उसके बारे में बताना है, उनका जो एटीट्यूड होता है उसके बारे में बताना है। सो इनमें देखते हैं कौन सा वाला वर्ग है ये। सो ऑप्शन ए एस्केप, बी द मोब, सी द लॉयल्टीज एंड डी द स्किप स्किन गेम। क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए एस्केप।
देन क्वेश्चन नंबर 14, इसमें हमें नरेशन बताना है. सो ये डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है यहाँ पे, और हमें इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है. द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, यू शुड बी ऑफ हेल्प टू देम. सो इसमें हमें बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा. सो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, अब टीचर ने बोला है स्टूडेंट्स को, तो रिक्वेस्टेड तो हो नहीं सकता, ये तो पहले ही रॉन्ग जा रहा है, टीचर रिक्वेस्ट थोड़ी करेगा. देन यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, यू हमारा चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ये जो यहाँ सेकेंड पर्सन दिया है ये हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा. सो द स्टूडेंट दिया हुआ है यहाँ पे, अब देखते हैं इसमें कौन सा है. ऑप्शन द टीचर रिक्वेस्टेड द स्टूडेंट्स टू ओबे दियर पेरेंट्स एंड एडेड दे शुड बी ऑफ हेल्प टू देम. सो रिक्वेस्टेड की वजह से ये रॉन्ग हो गया है. देन द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट दैट दे शुड ओबे दियर पेरेंट्स एंड शुड बी ऑफ हेल्प टू देम. देन सी द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू ओबे दियर पेरेंट्स एंड एडिड दैट दे शुड बी ऑफ हेल्प टू देम. एंड डी द टीचर कमांडेड द स्टूडेंट्स टू ओबे दियर पेरेंट्स एंड फर्दर एडिड दैट दे शुड बी ऑफ हेल्प टू देम. अब इसमें चारों ऑप्शंस देख लीजिए आप, देखिए कौन सा आंसर आपको करेक्ट लग रहा है. सो द करेक्ट आंसर इज बी, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स दैट दे शुड ओबे दियर पेरेंट्स एंड शुड बी ऑफ हेल्प टू देम. देन क्वेश्चन नंबर 15, ही सेड आई विल रिटर्न टुमोरो. सो ऑप्शन ए, ही सेड दैट ही वुड रिटर्न द नेक्स्ट डे. बी, ही सेड दैट आई वुड रिटर्न द नेक्स्ट डे. सी, ही सेड दैट ही विल रिटर्न टुमोरो. एंड डी, ही सेड दैट ही वुड रिटर्न टुमोरो. सो क्वेश्चन 15 का सही आंसर फाइंड आउट करना है. सो टुमोरो का टुमोरो तो नहीं होगा, तो ये तो पहले ही रॉन्ग जा रहा है, ये भी रॉन्ग जा रहा है. अब यहाँ देखते हैं, आई हमारा चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट है हमारा ही, तो यहाँ भी हमारा क्या होगा, ही आ जाएगा. सो इन दोनों में देखते हैं कौन सा करेक्ट है. सो सेकंड वाले में आप देखिए, जो यहाँ सब्जेक्ट दिया हुआ है ये आई दिया है, दैट इज़ फर्स्ट पर्सन, सो ये भी हमारा रॉन्ग चला गया. सो फर्स्ट वाला ही हमारा करेक्ट आंसर होगा. ही सेड दैट ही वुड, क्योंकि विल का हमें पास्ट फॉर्म बनाना है, सो वुड रिटर्न द नेक्स्ट डे. देन क्वेश्चन नंबर 16 इज वाट अ वंडरफुल टाइम ही हैड देयर. सो सी एक्सक्लेम्ड. सो फ्रेंड्स, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अभी, जैसे फेस्टिवल टाइम चल रहा है तो वीडियो बना पाना, पर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अपना 100% दूँ. सो देखते हैं सही आंसर क्या जाएगा इसका. ऑप्शंस आर ए, सी एक्सक्लेम्ड दैट दे हैड क्वाइट अ वंडरफुल टाइम देयर. बी, सी एक्सक्लेम्ड दैट दे हैव क्वाइट अ वंडरफुल टाइम देयर. सी, she exclaimed that she had quite a wonderful time there. And D, she exclaimed that she had quite a wonderful time there. So इसका correct answer find out कीजिए, मैं आपको सही answer बता देती हूँ. So 16 का जो सही answer हो जाएगा, that is A, she exclaimed so A is correct answer. She exclaimed that they had quite a wonderful time there. Then question number 17, change the voice. So active to passive voice हमें change करनी है यहाँ पे. The thieves escaped from the shop but a security guard saw them. अब इसको देखते हैं active to passive कैसे बनेगा ये. Option A, a thieves escaped from the shop but they were seen by a security guard. Then B, the thieves escaped from the shop but are seen by a security guard. The thieves escaped from the shop but a security guard had seen them. Then D, the shop escaped from the thieves
शॉप एस्केप्ड फ्रॉम द थीव्स, तो अब ये दुकान तो कैसे थीव से बचेगी, ये तो रोंग ही जा रहा है हमारा। तो अब हमारे पास ए बी सी तीन ऑप्शन बचे हैं, इसमें देख लीजिए सही आंसर क्या होगा, फिर मैं आपको सही आंसर बताती हूँ। जो 17 का सही आंसर है दैट इज ए, द थीव्स एस्केप्ड फ्रॉम द शॉप बट दे वर सीन बाय अ सिक्योरिटी गार्ड। देन क्वेश्चन नंबर 18, इज मलयालम स्पोकन बाय देम, तो इसको हम कैसे जो एक्टिव में चेंज करेंगे। सो ऑप्शन ए, डिड दे स्पीक मलयालम, बी डिड मलयालम दे स्पीक, सी आर दे स्पीक मलयालम एंड डी डू दे स्पीक मलयालम। सो सबसे पहले हमें क्या करना है सेंटेंस में, इसमें हमें टेंस देखना है कौन सा है, तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, इज यूज हुआ है तो प्रेजेंट हुआ, तो ए हमारा रॉन्ग है, बी हमारा रॉन्ग है, सी में ये प्रेजेंट तो है लेकिन आर के साथ हम क्या करते हैं आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, है ना, और या फिर यहाँ पे पैसिव वॉइस दिया है तो आर के साथ या तो थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी। सो आर दे स्पीक, आर के साथ फर्स्ट फॉर्म हमारी नहीं लगेगी, हमारा डी करेक्ट आंसर है, डू दे स्पीक मलयालम। ये देखिए हाँ सी हमारा ये एक्टिव में दिया हुआ है ना, आर दे स्पीक, सो आर दे स्पीकिंग होता तो भी हमारा करेक्ट होता, इसलिए हमारा ये रॉन्ग जा रहा है, हमारा एक्टिव में ये सही है डू दे स्पीक मलयालम, सो करेक्ट आंसर विल बी डी। देन क्वेश्चन नंबर 19, सीता मैरिड राम, सो ये हमारा टेंस कौन सा है, ये हमारा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो ऑप्शन देख लेते हैं, ए सीता वाज मैरिड टू राम, बी राम वाज मैरिड टू सीता, सी राम वाज मैरिड बाय सीता एंड डी सीता वाज मैरिड बाय राम। सो करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है इसमें, तो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट आता है हमारा स्टार्टिंग में, तो ये जो राम है ये हमारा स्टार्टिंग में आ जाएगा, ये हमारा पास्ट फॉर्म है, तो राम वाज मैरिड टू सीता, इसमें बाय नहीं लगाते हम, मैरिड के साथ जो प्रेपोजिशन लगती है टू लगती है, करेक्ट आंसर है बी। देन 20 क्वेश्चन, द अमेरिकन नॉवलिस्ट हरमन मेलविलेज कैरेक्टर कैप्टन अहाब इन मोबी डिक इज अ क्लासिक ट्रेजिक हीरो इंस्पायर्ड बाय, अब हमें बताएं जो कैरेक्टर है किससे इंस्पायर्ड हुआ है। सो ए हैमलेट, बी किंग लियर, देन सी मैकबेथ एंड डी जूलियस सीजर। तो ये जो अमेरिकन नॉवलिस्ट है हरमन मेलविलेज, इनका जो एक कैरेक्टर है दैट नेम इज कैप्टन अहाब, और कौन से वर्क में, ये मोबी डिक में है, तो ये इंस्पायर्ड किससे है ये हमें बताना है। सो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज बी किंग लियर। आई होप आप अच्छा स्कोर कर पा रहे होंगे इसमें। देन एंटोनिम ऑफ पिनेकल, अब हमें पिनेकल का एंटोनिम बताना है। सो ए सबमिट, बी इम्पोर्टेंट, सी हैवन एंड डी नादिर। सो बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है ये, सो द करेक्ट आंसर विल बी डी नादिर। सो पिनेकल क्या होता है, हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, किसी की भी चोटी ले लीजिए, जैसे माउंटेन पे जा रहे हैं उसकी चोटी बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट उसका, तो पिनेकल बोल सकते हैं उसको। देन क्वेश्चन नंबर 22, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड सबल्टर्न। सो ऑप्शंस आर ए लो, बी सुपर्ब, सी गुड एंड डी सुपीरियर। सो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सुपीरियर, डी इज करेक्ट आंसर। देन 23, दे गिव मोर इम्पोर्टेंस टू मटेरियल रेदर देन डैश एडवांसमेंट। सो हमें यहाँ मटेरियल दिया हुआ है, इसका हमें एंटोनिम बताना है, तो मटेरियल यहाँ पे हमारा भौतिकवाद के लिए यूज हुआ है, तो ऑप्शन ए इंटेलेक्चुअल, बी स्पिरिचुअल, सी इमोशनल एंड डी वर्ल्डली। सो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी स्पिरिचुअल। देन क्वेश्चन नंबर 24, अ स्पेशल फॉर्म ऑफ अंडरस्टेटमेंट विच एसर्ट्स एन एफर्मेटिव बाय नेगेटिंग द कंट्रेरी एज। सो ए म्यूसिस,
बी लिसोटिस, सी आयरनी एंड डी वेरियोरम। सो 24 का करेक्ट आंसर है हमारा बी लिसोटिस। जहाँ पे भी ऐसी फॉर्म जहाँ पे हम अंडर स्टेटमेंट करते हैं, जहाँ पे भी किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलने की जगह और कम करके उसको बोलते हैं, दैट इज लिसोटिस। देन 25 द सिनोनिम फॉर बोनाफाइड इज, हमें बोनाफाइड का सिनोनिम बताना है। सो ए ऑनरेबल, बी जेन्युइन, सी वेल मेड एंड डी रिम्यूनरेटिव। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी जेन्युइन। बोनाफाइड का जो सिनोनिम होता है दैट इज जेन्युइन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26। हु नोज मैनी लैंग्वेजेज इज, जो बहुत सारी लैंग्वेजेज जानता है उसको क्या बोलते हैं। सो ऑप्शन ए पॉलीग्लॉट, बी पॉलीमैथ, सी स्कॉलर एंड डी इम्पोस्टर। सो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए पॉलीग्लॉट। देन 27 द वर्ड दैट क्लोजली रिजेंबल्स कंटेस्टेशन इन मीनिंग इज। सो हमें यहाँ कंटेस्टेशन का क्लोजली जो नियरेस्ट मीनिंग है वो हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। सो ए डिसेंट, बी डिसेंट, सी डिसेंट एंड डी डिसेंट। सो चारों ही सेम से ही हैं, तो देखते हैं 27 का कौन सा जाएगा, दैट इज सी डिसेंट। देन 28 द वर्ड नोटेड क्लोजली रिजेंबल्स टू, ये जो नोटेड वर्ड है ये किससे क्लोजली रिजेंबल है, किससे सबसे ज़्यादा जिस अच्छे से मिलता है। सो ए एमिनेंट, बी इमिनेंट, सी इमिनेंट एंड डी इमानेंट। सो फाइंड द करेक्ट आंसर हेयर, आई होप आपने फाइंड कर लिया होगा आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज ए एमिनेंट। देन क्वेश्चन नंबर 29 द मीनिंग ऑफ यूथेंसिया। सो यूथेंसिया का हमें सही मीनिंग बताना है। तो ए मर्सी किलिंग, बी मर्डर, सी एसेसिनेशन एंड डी एट्रोसिटी। सो 29 का करेक्ट आंसर विल बी मर्सी किलिंग। अब ये यूथेंसिया या मर्सी किलिंग होता क्या है, जब कोई पेशेंट होता है वो बिल्कुल ना तो मर रहा होता है ना जी रहा होता है, बहुत ज़्यादा पेन से परेशान होता है, मतलब उसकी ज़िंदगी जो है मौत से भी बुरी होती है, तो उसको अगर ये यूथेंसिया जो मर्सी किलिंग दी जाती है कि उसको उसके दर्द से आराम दिलाने के लिए मार सकते हैं, तो दैट इज यूथेंसिया। इसके ऊपर कोर्ट में कुछ केस वगैरह भी था कि ये जायज है या नहीं। सो आई थिंक इसे जायज करार दे दिया था कोर्ट में, आई डोंट नो, क्लियर मुझे ध्यान नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 30 द एरर ऑफ इंटरप्रेटिंग और इवेल्युएटिंग अ वर्क बाय रेफरेंस टू द प्लान और डिजाइन ऑफ द ऑथर इज टर्म्ड एज। सो ए पैथेटिक फैलेसी, बी अफेक्टिव फैलेसी, सी इंटेंशनल फैलेसी एंड डी नन ऑफ द अबव। सो फाइंड द करेक्ट आंसर दैट इज सी इंटेंशनल फैलेसी। देन 21 इसमें हमें स्पेलिंग फाइंड आउट करनी है। आप चारों स्पेलिंग्स को अच्छे से देख लीजिए फिर हम फाइंड आउट करेंगे सही स्पेलिंग। सो आई होप आपने फाइंड आउट कर ली होगी। सो द करेक्ट आंसर इज सी एकोमोडेट, ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी ई एकोमोडेट। देन 32 इसमें भी करेक्ट स्पेलिंग फाइंड करनी है। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी बीसीज, बी ई एस आई ई जी ई बीसीज। देन 33 कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट इन्फिनिटिव डैश देयर इज डिफ़िकल्ट। सो यहाँ हमें फाइंड आउट करना है इन चारों ऑप्शन में से क्या ज़्यादा बेटर होगा। सो ए व्हेन रीचिंग, बी रीचिंग टू, सी रीचिंग फॉर एंड डी टू रीच। सो 33 करेक्ट आंसर विल बी डी टू रीच। सो इतना ईजी है, यहाँ पे इन्होंने बोला है करेक्ट इन्फिनिटिव फाइंड करना है हमें,
सो इन्फिनिटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही होते हैं. सो डी इज करेक्ट आंसर. देन 34, चेंज द वॉइस. यहाँ में वॉइस चेंज करनी है एक्टिव टू पैसिव. सो हु टूक इट, ये एक्टिव में दिया है तो इट मीन्स हमें पैसिव में चेंज करना है. सो ऑप्शंस आर ए बाय होम वाज इट टेकन, बी इट वाज टेकन बाय हु, सी हु वाज इट टेकन बाय, एंड डी इट वाज टेकन बाय होम. सो 34 द करेक्ट आंसर विल बी ए बाय होम. जब हु दिया हुआ है तो स्टार्टिंग में हम बाय होम से स्टार्ट करते हैं. सो बाय होम, और ये पास्ट फॉर्म में दिया है तो वाज यूज होगा यहाँ पे. सो वाज इट टेकन. देन 35, दिस लेटर वाज नॉट रिटन बाय जेन. सो ये हमारा पैसिव में दिया है तो इसको हमें एक्टिव में चेंज करना है. सो ए हु रोट दिस लेटर टू जेन, बी जेन रोट दिस लेटर, सी जेन डिड नॉट राइट दिस लेटर, एंड डी जेन हैड नॉट रिटन दिस लेटर. सो फाइंड द करेक्ट आंसर हेयर. सो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है और यहाँ हमें इधर जो ऑब्जेक्ट दिया है उसको हमें इधर सब्जेक्ट बनाना है. सो और नोट भी यूज करना है. जब हम पास्ट इंडेफिनिट में नोट का यूज करना होता है तो हम क्या करते हैं, डिड का यूज करते हैं इन एक्टिव वॉइस. सो यहाँ देखिए जेन डिड नॉट राइट दिस लेटर, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है तो सी 35 का सी करेक्ट हो जाएगा. देन 36, विच इज द वर्ब फॉर्म इन द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस. अब हमें ये वर्ड फाइंड करनी है कौन सी है. सी इज गोइंग टू अटेंड अ पार्टी. अगेन हियर यू सी टू अटेंड, सो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सो इसमें फाइंड आउट करते हैं कौन सी फॉर्म है ये. सो ए एडवर्ब, बी जेरंड, सी इन्फिनिटिव, एंड डी पार्टिसिपल. सो 36 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इन्फिनिटिव. जहाँ भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देते हैं वहाँ हमारा हमेशा इन्फिनिटिव ही होता है. देन 37, द काइंड ऑफ आयरनी द इंटेंशन ऑफ विच इज शेयर्ड बाय द ऑथर एंड द रीडर ऑफ ऑडियंस बट नॉट बाय द स्पीकर इज अ केस ऑफ ए वर्बल आयरनी, बी सोक्रेटिक आयरनी, सी कॉस्मिक आयरनी, एंड डी स्ट्रक्चरल आयरनी. सो द करेक्ट आंसर विल बी डी स्ट्रक्चरल आयरनी. देन 38, चेंज द नरेशन. द वॉचमैन वॉन्ट द बॉयज नॉट टू गो डीप इन टू द सी. अब यहाँ बाकी ऑप्शंस देख लीजिए कौन सा करेक्ट है. सो ए द वॉचमैन सैड बॉयज डिड नॉट गो डीप इन टू द सी, बी द वॉचमैन सैड टू द बॉयज हु डू यू गो डीप इन टू द सी, देन सी द वॉचमैन सैड टू द बॉयज यू आर नॉट गोइंग डीप इन टू द सी, एंड डी द वॉचमैन सैड बॉयज डोंट गो डीप इन टू द सी. सो 38 का करेक्ट आंसर हमें फाइंड करना है. सो द करेक्ट आंसर विल बी डी द वॉचमैन सैड बॉयज डोंट गो डीप इन टू द सी. देन 39, माई मदर सैड प्लीज गो टू द शॉप. सो ऑप्शन ए माई मदर रिक्वेस्टेड मी गोइंग टू द शॉप, बी माई मदर आस्क मी टू बी गोइंग टू द शॉप, सी माई मदर टोल्ड मी टू प्लीज गो टू द शॉप, एंड डी माई मदर रिक्वेस्टेड मी टू गो टू द शॉप. सो 39 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी, माई मदर रिक्वेस्टेड मी टू गो टू द शॉप. देन 40, सोक्रेटिक आयरनी इज प्रिटेंशन टू ए इग्नोरेंस इन प्लेस ऑफ नॉलेज, बी एडमिरेशन इन प्लेस ऑफ कंटेम्प्ट, सी अफेक्शन इन प्लेस ऑफ डिसगस्ट, एंड डी एंथुजियाज्म इन प्लेस ऑफ डिसइंटरेस्टेडनेस. सो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इग्नोरेंस इन प्लेस ऑफ नॉलेज.
सो क्वेश्चन नंबर 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज ग्रामेटिकली करेक्ट. हमें इसमें ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना है. सो ए, नो सूनर हैड वी बोर्डेड द ट्रेन देन इट स्टार्टेड टू मूव. बी, नो सूनर डिड वी बोर्डेड द ट्रेन देन इट स्टार्टेड टू मूव. सी, नो सूनर हैड वी बोर्डेड द ट्रेन देन इट मूव. एंड डी, नो सूनर हैड वी बोर्डेड द ट्रेन वैन इट स्टार्टेड टू मूव. अब इसमें फाइंड आउट करना है हमें करेक्ट वन. तो देखिए, जो नो सूनर होता है, नो सूनर के जो जस्ट राइट हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं. अब इन सब में नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, ये देखिए, उसके बाद सब्जेक्ट, और यहाँ पे नो सूनर हैड वी बोर्डेड. हैड के साथ हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ये करेक्ट है. और जो नो सूनर है उसके साथ जो हम कंजक्शन यूज करते हैं, दैट इज देन, नो सूनर देन. सो यहाँ देखिए, नो सूनर डिड वी, सो डिड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ये तो रॉन्ग हो गया. थर्ड फॉर्म दी हुई है, नो सूनर हैड वी बोर्डेड द ट्रेन देन इट मूव. सो इसमें स्टार्टेड टू मूव दे रखा है, तो ये भी हमारा रॉन्ग ही जा रहा है. देन, नो सूनर हैड वी बोर्डेड द ट्रेन वैन इट स्टार्टेड टू मूव. नो सूनर हैड वी, यहाँ देखिए, ये जो वैन दिया हुआ है, हमारा जो नो सूनर है, नो सूनर के साथ जो हमारी कंजक्शन जाती है वो हमारी हमेशा देन जाती है. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा करेक्ट सेंटेंस है, दैट इज ए, ए इज करेक्ट आंसर. देन 42, ही इज स्लो बट ही इज श्योर. सो बी, ही इज स्लो एल्स ही इज श्योर. सी, ही इज स्लो नोर ही इज श्योर. और डी, ही इज नीदर स्लो बट ही इज श्योर. तो इसमें हमें करेक्ट सेंटेंस फाइंड आउट करना है कौन सा है. तो ये देखिए, ही इज स्लो, वो स्लो है, बट ही इज श्योर, लेकिन वो श्योर है. सो श्योर मीन्स यहाँ पे कॉन्फिडेंट बोल सकते हैं. सो यहाँ पे जो हमारा ऑपोजिट थिंग दी हुई है, स्लो है तो श्योर नहीं होना चाहिए, लेकिन श्योर है, तो ऑपोजिट थिंग के लिए हम बट का यूज करते हैं. सो ए हमारा करेक्ट आंसर है. देन 43, हार्डली हैड आई एंटर्ड द रूम व्हेन द फोन रैंग. बी, हार्डली डिड आई एंटर द रूम व्हेन द फोन रैंग. सी, हार्डली आई एंटर्ड द रूम एंड द फोन रैंग. डी, हार्डली हैड आई एंटर्ड द रूम व्हेन द फोन वाज रिंगिंग. अब हमें इसमें भी करेक्ट फाइंड करना है. सो करेक्ट सेंटेंस विल बी ए, हार्डली हैड आई एंटर द रूम व्हेन द फोन रैंग. देन 44, टू सक्सेसिव सिलेबल्स विद अप्रोक्सीमेटली इक्वल लाइट स्ट्रेसेस कॉन्स्टिट्यूट अ. अब हमें बताना है जो टू सक्सेसिव सिलेबल्स होते हैं उसके लिए बताना हमें विद अप्रोक्सीमेटली इक्वल लाइट स्ट्रेस. लाइट स्ट्रेस जो होता है हमारा, दैट इज अनस्ट्रेस वी कैन से. कॉन्स्टिट्यूट, ये क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, स्पोंडी. बी, पायरिक. सी, ट्रोकेइक. एंड डी, डैक्टाइल. सो 44 का आई होप आपने करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर लिया होगा. सो इसका जो करेक्ट आंसर है, दैट इज बी, पायरिक. देन 45, केयरफुल एंड थोरो इंक्वायरी इज कॉल्ड. ए, इन्वेस्टिगेशन. बी, इंटरव्यू. सी, एग्जामिनेशन. एंड डी, एक्सप्लोरेशन. क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर है ए, इन्वेस्टिगेशन. देन 46, अ सिचुएशन दैट स्टॉप्स एन एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग. सो ए, बाईपास. बी, ब्रिज. सी, बॉटलनेक. एंड डी, ब्लॉकहेड. ऐसी सिचुएशन दैट स्टॉप्स एन एक्टिविटी, जो किसी एक्टिविटी को स्टॉप कर देती है फ्रॉम प्रोसेसिंग, प्रोग्रेसिंग, प्रोग्रेस होने से. अगर कोई ऐसी सिचुएशन जो किसी एक्टिविटी को प्रोग्रेस होने से रोकती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं. करेक्ट आंसर इज सी, बॉटलनेक. देन 47, विच इज सेड टू बी शेक्सपियर्स फर्स्ट ट्रेजिडी.
शेक्सपियर की फर्स्ट ट्रेजेडी कौन सी है? तो ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले उन्होंने लिखी थी टाइटस एंड्रोनिकस, उसके बाद में उन्होंने ये चारों जो ये ट्रेजेडी लिखी है वो सबसे वो बाद में लिखी हैं। फर्स्ट नंबर पे जो थी वो थी टाइटस एंड्रोनिकस। देन 48, फाइंड आउट द ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस। अब हमें इसमें इनकरेक्ट सेंटेंस को फाइंड आउट करना है। सो ऑप्शन ए, ईच ऑफ देम फॉलोड हिज प्लान। बी, नाइदर ऑफ द एक्सपर्ट्स वर पेड फॉर। सी, आई हैव ऑर्डर्ड द कॉफी। एंड डी, आई फियर ही विल फेल। सो 48 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, क्योंकि जब नाइदर या आइदर आता है तो उसके साथ जो वर्ब लगती है वो सिंगुलर वर्ब लगती है, तो यहाँ हमें वॉज यूज करना था। सो ये इनकरेक्ट है। सो 49, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग फोर ऑप्शंस। इसमें भी हमें करेक्ट सेंटेंस को फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस देख लीजिए अच्छे से। ए, माई ब्रदर्स कार वाइल इट वॉज 15 ईयर्स ओल्ड हैड बिगन टू फॉल अपार्ट। बी, माई ब्रदर्स कार वॉज 15 ईयर्स ओल्ड हैड बिगन टू फॉल अपार्ट। सी, माई ब्रदर्स कार दैट वॉज 15 ईयर्स ओल्ड हैड बिगन टू फॉल अपार्ट। माई ब्रदर्स कार विच वॉज 15 ईयर्स ओल्ड हैड बिगन टू फॉल अपार्ट। 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, माई ब्रदर्स कार विच वॉज 15 ईयर्स ओल्ड हैड बिगन टू फॉल अपार्ट। देन 50 क्वेश्चन इज, कोरस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय शेक्सपियर इन। तो शेक्सपियर के द्वारा कोरस कौन से प्ले में यूज किया गया है? किंग हेनरी 6, किंग हेनरी 5, रिचार्ड 2 और मैकबेथ। सो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, किंग हेनरी 5। 51, स्ट्राइफ ड्रामेटाइजेज। ए, ड्रामा बिटवीन लवर्स। बी, एन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। सी, आई स्ट्राइक। एंड डी, अ वार। सो 51 का जो करेक्ट आंसर है सी, आई स्ट्राइक, क्योंकि स्ट्राइक प्ले में उन्होंने स्ट्राइक दिखाई हुई है लेबर पार्टी के बीच और उनके जो मास्टर्स थे उनके बीच, जो कंपनी के मालिक थे उनके बीच। सो 52, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। सो आप अच्छे से देख लीजिए इन चारों वर्ड्स को, मैं करेक्ट आंसर बता देती हूँ। सो करेक्ट आंसर विल बी बी, डिलेमा, डी आई एल ई डबल एम ए। सो इसको रिपीट कीजिए एक दो बार, पक्का लर्न हो जाएगा, डी आई एल ई डबल एम ए। देन 53, इसमें भी आपको करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करनी है। सो करेक्ट स्पेलिंग इज डी, कोरोबोरेट, सी ओ डबल आर ओ बी ओ आर ए टी ई, कोरोबोरेट। इसमें मेक इट श्योर कि यहाँ पे डबल आर आएगा। देन 54, अ पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स। ऐसा पर्सन जो अपने आप को प्रिटेंड करता है जैसे कि वो कोई और हो, ढोंगी या पाखंडी ऐसे बोल सकते हैं। सो ए, इम्पीरियलिस्ट। बी, इम्प्रेशनिस्ट। सी, इम्प्लोरर। एंड डी, इम्पोस्टर। सो 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इम्पोस्टर। देन 55, हाउ बीस्टली वीमेन आर टू ईच अदर। सो वेयर डज दिस लाइन अपीयर। अब ये लाइन हमें बतानी है, जो स्टेटमेंट दी है ये कहाँ पे दिखाई देती है, कौन से प्ले में है ये। ऑप्शन ए, द रूफ। बी, द स्किन गेम। सी, विंडोज। एंड डी, नन ऑफ दीज। सो ये जो लाइन है ये विंडोज से ली गई है, और विंडो किसने लिखा है, विंडोज लिखा है जॉन गाल्सवर्दी ने। देन 56, म्यूट सीन एंड ट्रायल सीन अकर इन द प्ले। अब म्यूट सीन और ट्रायल सीन कौन से प्ले में हुआ है? जस्टिस, मेड इन वेटिंग। सी, वैग्यू, थॉट्स ऑन आर्ट। एंड डी, सेंट्स प्रोग्रेस। सो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जस्टिस। देन 57, लो इज वॉट
इट इज अ मैजेस्टिक एडिफाइस सेल्टरिंग ऑल ऑफ अस हु सेज दिस इनजस्टिस। सो जस्टिस में ये लाइन बोली गई है, हमें बताना है ये जो लाइन है ये कौन से कैरेक्टर ने बोली है। ओके, सो ऑप्शन ए द जज, बी सोलिसिटर, सी विलियम फाल्डर एंड डी स्वीडल। सो 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए द जज। देन 58, व्हाट इज मेंट बाय अ फेमिनाइन एंडिंग ऑफ अ लाइन ऑफ वर्स। अब कोई जो पोम लिखी गई है उसमें हमें बताना है व्हाट इज मेंट बाय फेमिनाइन एंडिंग, जो फेमिनाइन एंडिंग होती है ऑफ अ लाइन ऑफ वर्स, जैसे कोई पोम लिखी हुई है तो उसका बताना है हमें, जो लास्ट में वो एंडिंग लाइन ऑफ वर्स होती है वो फेमिनाइन में दी हुई होती है तो उसको क्या बोलते हैं। ए क्लोजिंग विद एन एक्स्ट्रा लाइट सिलेबल, बी क्लोजिंग विद एन एक्स्ट्रा स्ट्रेस सिलेबल, सी क्लोजिंग विद एन एक्स्ट्रा सिलेबल एंड डी क्लोजिंग विदाउट एन एनी एक्स्ट्रा सिलेबल। सो 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए क्लोजिंग विद एन एक्स्ट्रा लाइट सिलेबल। सो फेमिनाइन के लिए हम लाइट सिलेबल यूज करते हैं। ओके, देन 59, हेल इन पैराडाइज लॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड। जो पैराडाइज लॉस्ट में हेल का जो जिक्र किया है मिल्टन ने उसको हम और क्या बोलते हैं, दूसरा नाम बताना है उसका। सो ए टार्टरस, बी अर्थली डूम, सी टाइटैनिक होल एंड डी टाइटेनियम हाउस। सो 59 का करेक्ट आंसर है ए टार्टरस। देन 60, सी गेव मी आईज, सी गेव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर्स एंड डेलिकेट फियर्स। सो वर इन रिफरेंस टू, तो ये लाइन्स जो वर्ड्सवर्थ ने बोली है और हमें बताना है इन चारों में से किस पर्सनैलिटी के लिए उन्होंने ये लाइन बोली है। सो ए रिवर वाय, बी एनिट वेलन, सी डोरोथी वर्ड्सवर्थ एंड डी एंचेस्ट्रल स्कॉटलैंड। सो क्वेश्चन नंबर 60 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, उन्होंने अपनी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ के लिए लाइन बोली है। देन 61, व्हेन वाज द टूडर डायनेस्टी ब्रोथ टू क्लोज। सो टूडर डायनेस्टी का नाम तो आपने सुना होगा। सो ऑप्शन ए बाय द डेथ ऑफ एलिजाबेथ इन 1620, बी बाय द डेथ ऑफ एलिजाबेथ इन 1603, सी बाय द डेथ ऑफ जेम्स फर्स्ट एंड डी बाय द डोमिनेंस ऑफ द सिविल वार। सो 61 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज बी बाय द डेथ ऑफ एलिजाबेथ इन 1603। तो टूडर डायनेस्टी का जो क्लोज हुआ था, जो एंड हुआ था, वो एलिजाबेथ की डेथ के साथ ही हो गया था इन 1603। देन 62, शेक्सपियर्स लव लेबर लॉस्ट इज अ, जो लव लेबर लॉस्ट है तो हमें बताना है उसका जेनर कौन सा है, क्या है वो। ऑप्शन ए ग्रेट ट्रेजिडी, बी रोमांटिक ट्रेजिडी, सी लिरिकल फार्स एंड डी प्रोज एपिक। सो 62 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सी लिरिकल फार्स। देन 63, इसमें हमें करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करनी है। सो आप अच्छे से देख लीजिए इन स्पेलिंग्स को। ओके, सो द करेक्ट स्पेलिंग इज ए डिसअपियर, डी आई एस ए डबल पी ई ए आर, डिसअपियर। देन 64, वेयर एंड व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ मीट सर वाल्टर स्कॉट। सो वर्ड्सवर्थ सर वाल्टर स्कॉट से कहाँ और कब मिले हैं ये हमें बताना है। सो ऑप्शन ए डेनमार्क इन 1826, बी स्कॉटलैंड इन 1803, सी इंग्लैंड इन 1803 एंड डी लंदन 1800। सो वाल्टर स्कॉट से वर्ड्सवर्थ कहाँ मिले हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी स्कॉटलैंड 1803। सो बाद में यहाँ स्कॉट लगा है तो स्कॉट से ही स्कॉटलैंड। सो वाल्टर स्कॉट से वर्ड्सवर्थ स्कॉटलैंड में मिले हैं इन 1803। 1802 में उनकी मैरिज हुई थी और 1803 में वो स्कॉट से मिले हैं एक साल बाद।
The UV sunt motif in poetry means the formula for lamenting. A. The irony of fate. B. The death of a friend. C. The past that no more. And D. The general degradation of human world. So 65 का करेक्ट आंसर बताना है हमें. So correct answer will be C. The past that is no more. Question number 66. What will be the suitable prefix for this word balance? अब हमें बताना है बैलेंस में इनमें से कौन सा सूटेबल प्रेफिक्स होगा. सो प्रेफिक्स आई होप आपको मालूम होगा. प्रेफिक्स होता है जो हम किसी वर्ड के स्टार्टिंग में उसके साथ ऐड करते हैं. सफिक्स बाद में ऐड होता है और प्रेफिक्स पहले ऐड होता है. सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज इम्बैलेंस. इसमें मैं थोड़ा डाउटफुल हूँ. मुझे लग रहा है डिसबैलेंस होना चाहिए लेकिन प्रैक्टिस सेट में इम्बैलेंस है. तो आप इसको प्लीज़ श्योर कर लेना कौन सा इसमें करेक्ट है. प्रैक्टिस सेट में इसका आंसर 66 ही दिया हुआ है. 66 का डी इम्बैलेंस. देन 67 वीडियो बनाते बनाते कितनी बार माइंड ठीक से काम नहीं करता तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाती है. सो आप इसको क्लियर कर लेना. Then 66, in which book of Paradise Lost does Milton narrate the story of the fall of man? Paradise Lost की कौन सी बुक में मिल्टन ने स्टोरी नरेट की है द फॉल ऑफ मैन. बुक सेकेंड, बुक 9, बुक 10 और बुक 8. सो 67 का जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज बी बुक 9. Then 68, who are the chosen seeds as called by Milton? So Milton ने chosen seeds यहाँ पे किसको बोला है वो हमें बताना है. सो एक बार ऑप्शन देख लीजिए आप. ए इंग्लिशमैन, बी हेथेंस, सी इजिप्शियन एंड डी इजराइलिटीज. सो इसमें भी प्रैक्टिस सेट में ए ही दिया है लेकिन मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन इसमें डी पे हो रहा है इजराइलिटीज. तो ये भी आप इसमें देख लीजिए. कन्फ्यूजन क्या मुझे पूरा श्योर इसमें इजराइलिटीज ही लग रहा है लेकिन इसमें प्रैक्टिस सेट में इंग्लिश मैन दिया हुआ है. सो 69, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू वी फाइंड दीज लाइन्स देयर नीड्स नो घोस्ट माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल इन दिस. अब हमें बताना है ये वाली लाइन कौन से प्ले में यूज हुई है. सो ए किंग लियर, बी मैकबेथ, सी हैमलेट एंड डी हेनरी फोर्थ. सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी हैमलेट. तो ये लाइन हैमलेट प्ले में बोली गई है जब उनको घोस्ट दिखाई देता है. तो आई थिंक होरेसियो ने ये लाइन बोली थी. ओके देन 70 क्वेश्चन. His life was gentle and the elements so mixed in him that nature might stand up and say to all the world, this was a man. So who is the speaker and about whom is this spoken? So ये line हमें बतानी है कि इसका speaker कौन है और किसके बारे में ये line बोली जा रही है. So option A, Enobarbus in Antony. बी ब्रूटस ने सीजर के बारे में बोला है. सी क्लोपेट्रा एंड एंटनी एंड डी मार्क एंटनी ऑन सीजर. सो 70 का जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज डी मार्क एंटनी ऑन सीजर. सो सीजर के बारे में किसने बोला है मार्क एंटनी ने बोला है. क्या बोला है His life was gentle and the elements so mixed in him that nature might stand up and say to all the world, okay, this was a man. So 71 question is, alone of English poets, alone in English art, Milton has it.
ही इज अवर ग्रेट आर्टिस्ट इन स्टाइल अवर वन फर्स्ट रेट मास्टर इन द ग्रैंड स्टाइल सो हु सेड दिस। अब ये स्टेटमेंट किसने बोली है हमें ये बताना है। ए मैथ्यू अर्नोल्ड, बी वर्ड्सवर्थ, सी डॉक्टर जॉनसन एंड डी ड्राइडन। सो 71 का करेक्ट आंसर है ए मैथ्यू अर्नोल्ड। क्वेश्चन नंबर 72। अकॉर्डिंग टू द थियरी ऑफ नॉर्थ्रॉप फ्राई द फोर मेन नैरेटिव जेनर्स ऑफ लिटरेचर आर कॉमेडी रोमांस ट्रेजिडी एंड। सो नॉर्थ्रॉप फ्राई ने जो चार एलिमेंट्स दिए हैं तो उनमें से हमें बताना है, तीन तो इसमें बताए हैं कॉमेडी रोमांस एंड ट्रेजिडी, और फोर्थ उन्होंने कौन सा जेनर बताया ये हमें बताना है। सो ए ऑटोबायोग्राफी, बी पोएट्री, सी मिथ एंड डी आयरनी। सो द करेक्ट आंसर इज डी आयरनी। देन 73। द पिंडारिक ओड स्टेंजा पैटर्न वाज इन सेट्स ऑफ थ्री द स्ट्रोप द एंटी स्ट्रोप एंड डैश। सो जो पिंडारिक ओड है वो जो थ्री स्टेंजा में डिवाइडेड है, थ्री सेट हैं स्टेंजा के, तो हमें बताना है कौन सा इसमें स्किप कर रखा है, द स्ट्रोप एंटी स्ट्रोप और तीसरा कौन है। सो डी सॉरी ए इंटरल्यूड, बी ट्रॉफी, सी द आईपोड एंड डी द एंटीपोड। सो 73 का करेक्ट आंसर है द एपोड। देन 74। हु कमेंटेड ऑन शेक्सपियर्स कॉमेडीज, शेक्सपियर हैज नो हीरोज ही हैज ओनली हीरोइंस। सो ए कार्लिल, बी बेन जॉनसन, सी जॉन रस्किन एंड डी ए सी ब्रैडली। सो 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी जॉन रस्किन। 75। ओनोमेटोपोइया मीन्स, अब ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच है, इसका मीनिंग हमें बताना है क्या है। सो ए इकोइंग द सेम साउंड रिपीटेडली, बी इकोइंग ऑफ द सेंस बाय द साउंड शेप साइज और मूवमेंट, सी इकोइंग ऑफ द सेम सेंस और मीनिंग इन डिफरेंट वर्ड्स एंड डी नन ऑफ दीज। सो 75 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी इकोइंग ऑफ द सेंस बाय द साउंड शेप साइज और मूवमेंट। क्वेश्चन 76। अ वुमन किल्ड विद काइंडनेस। 76 अ वुमन किल्ड विद काइंडनेस दिस टाइटल इज एन इंस्टेंस ऑफ। ओनोमेटोपोइया, बी साइनिडोकी, डी आयरनी एंड सी पैराडॉक्स। सो 76 का जो हमें करेक्ट आंसर बताना है दैट इज करेक्ट आंसर इज सी पैराडॉक्स। सो अ वुमन किल्ड विद काइंडनेस, ओके इसमें क्या है पैराडॉक्स है। देन 77। व्हाट वाज द वन रेस्ट्रेंट ऑन एडम एंड ईव इन द गार्डन ऑफ ईडन। सो द करेक्ट आंसर इज ए, ऑप्शंस आर ए इज नॉट टू ईट फ्रूट ऑफ नॉलेज, बी नॉट टू लीव ईडन, सी नॉट टू टॉक टू सैटर्न एंड डी नन ऑफ दीज। सो 77 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ए। सो गार्डन ऑफ ईडन में एडम एंड लीव बिल्कुल हैप्पीली फ्रीली रह सकते थे, लेकिन बस उनके ऊपर एक ही रेस्ट्रेंट था कि नॉट टू ईट फ्रूट ऑफ नॉलेज, कि उनको फ्रूट ऑफ नॉलेज नहीं खाना था। देन 78। फॉर हाउ मैनी डेज डिड सैटर्न एंड हिज फॉलोअर्स फॉल फ्रॉम हेवन इन टू हेल। सो ये फॉय नहीं है यहाँ पे, ये है फोर, फोर हाउ मैनी डेज, सो कितने दिन के लिए डिड सैटर्न एंड हिज फॉलोअर्स फॉल फ्रॉम हेवन इन टू हेल। ऑप्शन ए 6, बी 8, सी 7 एंड डी 9। सो 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 9। देन 79 क्वेश्चन। If the paradoxical utterance combines two terms that in ordinary usage are
contraries such as pleasing pains and burning chill. It is called A or N, oxymoron, B, conceit, C, glitch and D, equivoque. So 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, oxymoron, क्योंकि यहाँ बर्निंग चिल, बर्निंग होता है जलता हुआ और चिल होता है ठंडा, तो दोनों ऑपोजिट सेंस दे रहे हैं और जहाँ भी दोनों ऑपोजिट सेंस आते हैं वहाँ हम क्या यूज करते हैं, oxymoron. करेक्ट आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 80. आ प्राइम रोज बाय रिवर्स ब्रिम, अ येलो प्रिम रोज वॉज टू हिम एंड इट वॉज नथिंग मोर अकर्स इन. अब ये बतानी है लाइन्स कौन सी वाली पोम से ली गई हैं. सो ऑप्शन ए पीटर बेल, बी ओड इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी, सी द प्रेल्यूड एंड डी टिंटन एबी. सो 80 का करेक्ट आंसर है ए पीटर बेल. 81 एसी ब्रैडले शेक्सपियरियन ट्रेजिडी वाज पब्लिश्ड इन 1903, 1904, 1905 और 1906. सो 81 का करेक्ट आंसर है ए, सॉरी बी 1904. करेक्ट आंसर इज बी 1904. 82 विच इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक रोट हिज एसेज द व्हील ऑफ फायर ऑन शेक्सपियर्स ड्रामा. सो ये जो एसे है द व्हील ऑफ फायर, ये शेक्सपियर्स के ड्रामाज के लिए लिखा गया है, लेकिन ये किस क्रिटिक ने लिखा है ये हमें बताना है यहाँ. ऑप्शन ए विल्सन नाइट, बी थॉमस नेस, सी थॉमस डेकर एंड डी थॉमस मिडिल्टन. सो 82 का करेक्ट आंसर है यहाँ ए जी विल्सन नाइट. 83 हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द ईगोटिस्टिकल सबलाइम. वेरी इजी क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट भी है. सो ऑप्शन ए लैम्ब, बी अर्नोल्ड, सी इलियट एंड डी कीट्स. किसने वर्ड्सवर्थ को ईगोटिस्टिकल सबलाइम बोला है. सो कीट्स इज करेक्ट आंसर. 84 हु इज क्रिटिसाइज्ड बाय बेन जॉनसन इन द वर्ड्स He was indeed honest and of an open and free nature, had an excellent fancy, brave notions. So ये लाइन बेन जॉनसन ने बोली है, लेकिन किसके लिए बोली है ये हमें बताना है. सो ए शेक्सपियर, बी मार्लो, सी रॉबर्ट ग्रीन एंड डी थॉमस किड. सो करेक्ट आंसर इज ए शेक्सपियर. सो बेन जॉनसन ने शेक्सपियर की काफ़ी सारी तारीफ की है, काफ़ी सारी कमेंट है. ओके सो 85 पन इज अ प्ले ऑन वर्ड्स दैट आर सिमिलर इन साउंड बट डाइवर्स इन मीनिंग, बी इन मीनिंग बट डाइवर्स इन साउंड, सी बोथ इन साउंड एंड मीनिंग बट विद डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड डी नन ऑफ द अबव. सो यहाँ 85 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ए इन साउंड बट डाइवर्स इन मीनिंग, क्योंकि सेम वर्ड लिखा होता है उसका, सेम साउंड निकलती है उनकी, लेकिन उनके मीनिंग अलग होते हैं. सो 86 गार्ल्सवर्दीज फेमस प्ले द सिल्वर बॉक्स डील्स विद द इनइक्वालिटी ऑफ पावर, जस्टिस, लेबर और मनी डिवीजन. सो गार्ल्सवर्दी का फेमस प्ले है सिल्वर बॉक्स, इसमें किस चीज़ की इनइक्वालिटी दिखाई है ये हमें बताना है. द करेक्ट आंसर विल बी बी जस्टिस, इनइक्वालिटी ऑफ जस्टिस दिखाई है इसमें, कि कैसे रिच जो पीपल होते हैं उनके लिए जस्टिस कुछ और होता है और जो पुअर पीपल होते हैं उनके लिए जस्टिस कुछ और होता है. सो 87 बेन जॉनसन इज फेमस फॉर हिज कॉमेडी of humors. William Congreve is known today for his. So Ben Jonson जो हैं वो अपनी comedy of humor के लिए famous हैं, और ये जो William Congreve हैं ये किसके लिए famous हैं ये हमें बताना है. comedy of ideas, comedy of intrigue,
कॉमेडी ऑफ मैनर्स और कॉमेडी ऑफ एरर्स. सो आई होप आपने फाइंड आउट कर लिया होगा करेक्ट आंसर. सो 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कॉमेडी ऑफ मैनर्स. देन 88, द रिलेशनशिप बिटवीन ओथेलो एंड इयागो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो ओथेलो एंड इयागो है उनके बीच जो रिलेशनशिप है वो किसका एग्जाम्पल है. ए इन्वर्जन, बी आयरनी, सी इन्वेंडो एंड डी इन्वेक्टिव. सो 88 करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इन्वर्जन. 89, फ्रॉम वेयर डिड वर्ड्सवर्थ गेट आइडिया दैट एजुकेशन ऑफ नेचर इज सुपीरियर टू बुकिश लर्निंग. सो वर्ड्सवर्थ ने ये आइडिया कहाँ से लिया है कि एजुकेशन ऑफ नेचर है, जो प्रकृति की जो शिक्षा है वो ज़्यादा सुपीरियर है बुकिश लर्निंग से. सो ए रूसो, बी जॉन रस्किन, सी शेक्सपियर एंड डी मिल्टन. सो 89 करेक्ट आंसर इज ए रूसो. 90 क्वेश्चन, विच इज सैड टू बी अ लिरिकल ट्रेजिडी. अब इसमें लिरिकल ट्रेजिडी बतानी है कौन सी है. ए रिचर्ड सेकंड, बी हेनरी फोर्थ, सी ट्वेल्थ नाइट एंड डी नन ऑफ दीज. सो 90 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए रिचर्ड सेकंड. और लिरिकल ट्रेजिडी शेक्सपियर की सिर्फ दो ट्रेजिडी हैं, एक तो रिचर्ड सेकंड है और दूसरी कौन सी है, किंग जॉन. ये दोनों ही ट्रेजिडी लिरिकल हैं. देन 91 क्वेश्चन, मिल्टोनिक वर्ड्स कैन नॉट बी रिटन बट इन एन आर्टफुल और रेदर आर्टिस्ट ह्यूमर एंड दैट पैराडाइज लॉस्ट वॉज अ ब्यूटिफुल एंड ग्रैंड क्यूरोसिटी हु एक्सक्लेम्ड इट. सो ये किसने बोला है. ए जॉन कीट्स, बी जॉन बनियन, सी हेनरी वोगन एंड डी रिचर्ड क्रेसो. सो 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए जॉन कीट्स. 92, नथिंग इज हेयर फॉर टीयर्स, नथिंग टू वेल और नो द ब्रेस्ट, नो वीकनेस, नो कंटेम्प्ट, वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स टेकन. अब ये लाइन कहाँ से ली है, पैराडाइज रिगेंड, पैराडाइज ऑन हिज ब्लाइंडनेस और डी सैमसन एगोनिस्ट. सो द करेक्ट आंसर इज डी सैमसन एगोनिस्ट. 93, जॉन गाल्सवर दीज नॉवल्स आर चीफली ऑक्यूपाइड विद द इफेक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ. अब जो जॉन गाल्सवर दी की नॉवल थी वो बतानी है हमें कि इसमें किस चीज़ का इफेक्ट था और कॉन्फ्लिक्ट था, किस चीज़ से भरी हुई थी ये. ए इंडिविजुअल एंड द यूनिवर्स, बी फ्यूडलिज्म अपॉन मोनार्की, सी क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी एंड डी क्लास ट्रेडिशन अपॉन रिलीजन. सो जो जॉन गाल्सवर्दी का वर्क था वो ज़्यादातर सोसाइटी पे बेस्ड था, तो सी का क्लास ट्रेडिशंस ऑफ अपॉन सोसाइटी. देन 94, रिफ्रेन इज, अब हमें रिफ्रेन बताना है क्या होता है. सो ए शॉर्ट पॉज बिटवीन लाइंस, बी द कंक्लूडिंग लाइन ऑफ अ स्टैंजा इन वर्स, सी अ लाइन और ग्रुप ऑफ लाइंस विच इज रिपीटेड थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द पोम एंड डी द पॉज बिटवीन स्टैंजाज. सो द करेक्ट आंसर इज सी अ लाइन और ग्रुप ऑफ लाइन्स विच इज रिपीटेड थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द पोम. जो लाइन्स के बीच में जो पॉज होते हैं ये रिफ्रेन होते हैं. ये जो रिपीटेड वर्ड्स होते हैं उनको रिफ्रेन बोलते हैं. सो 95, वर्ड्सवर्थ्स पोम पीटर बेल फाइनली पब्लिश्ड इन अप्रैल 1819 इज डेडिकेटेड टू. जो पीटर बेल वर्ड्सवर्थ ने लिखी है पोम वो बतानी है हमें कि किसको डेडिकेटेड है. सो रॉबर्ट साउदे, बी एच टी कोलरिज, सी सर वाल्टर स्कॉट एंड डी डोरोथी वर्ड्सवर्थ. सो 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए रॉबर्ट साउदे.
और रॉबर्ट साउदी की ही डेथ के बाद वो क्या बने थे, पोइट लॉरिएट बने थे इन 1843 में। और सर वॉल्टर स्कॉट को कब मिले थे वो, तो उनसे जो उनकी मुलाकात हुई थी वो 1803 में हुई थी, कहाँ पे, स्कॉटलैंड में। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, रॉबर्ट साउदी। देन 96, होम मिल्टन कंसीडर्स हिज मास्टर इन पोएट्री। सो मिल्टन ने किसको अपना मास्टर माना है पोएट्री में, ए चौसर, बी शेक्सपियर, सी जॉन डन एंड डी स्पेंसर। सो 96 का डी स्पेंसर। 97, विच पोम ऑफ वर्ड्सवर्थ डू दीज लाइन्स अपियर इन विजडम इज ऑफ टाइम्स नियरर वैन वी स्टॉप देन वैन वी सोर। ये कौन सी पोम में ली गई है लाइन, द प्रेल्यूड, लिरिकल बैलेट्स, द वाइट डो ऑफ रिलस्टोन एंड डी द एक्सकर्सन। सो 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, द एक्सकर्सन। देन 98 क्वेश्चन, हु रोट शेक्सपियर अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ हिज माइंड एंड आर्ट। सो ए चार्ल्स नाइट, बी एडवर्ड डाउडिन, सी जॉन गोएथ। इसको आप गोएथ बोलते हैं या गोएथे बोलते हो, ये देख लेना, मैं गोएथे ही बोलती हूँ इसको। सो डी विल्सन नाइट। सो 98 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज बी, एडवर्ड डाउडिन। 99, मिल्टन इज रिगार्डेड एज द लास्ट एलिजाबेथन बिकॉज। मिल्टन को लास्ट एलिजाबेथ बोला गया है, जो एलिजाबेथन। सो मिल्टन को जो लास्ट एलिजाबेथन बोला गया है, क्यों बोला गया है ये हमें बताना है। सो ऑप्शन ए, ही रोट इन शेक्सपियरियन स्टाइल एंड डाइड एट द एंड ऑफ द पीरियड। बी ही शेयर्ड द स्पिरिट ऑफ रेनेसा विच इंक्लूड्स ह्यूमैनिस्टिक स्टडीज एंड द रिफॉर्मेशन। सी ही एडमायर्ड शेक्सपियर एंड अडोर्ड स्पेंसर फॉर हिज सोनोरिटी एंड डी He was the last of the Elizabethan poets who wrote on classical models of poetry. So 99 का करेक्ट आंसर बताना है हमें। So B is correct answer. He shared the spirit of Renaissance which includes humanistic studies and the Reformation. Then 100 question. वर्ड्सवर्थ इमोर्टैलिटी ओड एंड इरेगुलर पिंडेरिक ओड स्टैंजा कंटेन्स। सो इमोर्टैलिटी जो ओड है उनका, उसमें बताने हैं हमें कि स्टैंजा कितने हैं, ए 7, बी 11, सी 5 एंड डी 14। सो 11 इज करेक्ट आंसर। ओड ऑन इमोर्टैलिटी है उनका, वो 11 स्टैंजा हैं उसमें। Then 101, the lines, O dark, 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 amid the blaze of noon, irrecoverably dark, total eclipse, without all hope of day, are from. तो हमें बताना है ये जो दिया हुआ है स्टेटमेंट या लाइन, ये जो है ये कौन सी, जो वर्स इनका मिल्टन का कौन सा प्ले है उसमें से ली गई है, ए कॉमस, बी लिसिडस, सी पैराडाइज लॉस्ट और डी सैमसन एगोनिस्ट। सो 101 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज डी, सैमसन एगोनिस्ट। क्योंकि सैमसन एगोनिस्ट की जो आंखें चली गई थी, वो अंधे हो गए थे और फिर वो ये लाइन बोलते हैं, ओ डार्क 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 अमिड द ब्लेज ऑफ नून। देन 102, आउट ऑफ थ्री मेन कैटेगरीज ऑफ ओरेटरी, डिस इंग्विस्ट बाय एरिस्टोटेलियन क्रिटिक्स विच वन स्टैंड्स फॉर डिस्प्ले, रिटोरिक यूज्ड ऑन सेरिमोनियल ओकेशंस टू एम्पलीफाई द प्रेज ऑफ अ पर्सन। सो डेलिब्रेटिव, बी एपिडेक्टिक, सी फोरेंसिक एंड डी नन ऑफ दी एवर।
सो बी इज करेक्ट आंसर। ये मेरी पहली वीडियो ऐसी जा रही है जो मैंने कितने सारे टुकड़ों में और कई दिन में जाके एक वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ मैं। ये फेस्टिव सीजन में थोड़ा ऐसे ही हो जाता है। सो 103 द क्राउड थ्रू स्टोन्स एट द पुलिस हीडलेस डैश द कंसिक्वेंसेस। सो इसमें हमें प्रेपोजिशन बतानी है कौन सी आएगी। सो ए ऑफ बी टू सी एट एंड डी इन। सो 103 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। देन ही 104 क्वेश्चन ही वाज आस्क्ड बाय हिज वाइफ एंड पेरेंट्स नॉट टू जॉइन द आर्मी बट ही वाज डेफ डैश देयर एंट्रीटीज। सो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं ए ऑफ बी टू सी एट एंड डी इन। सो 104 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी टू। 105 मैनी पीपल इन दिस सिटी हैव एन एप्टीट्यूड डैश बिजनेस। सो कौन सी प्रेपोजिशन आएगी इसमें। द करेक्ट प्रेपोजिशन इज डी 4। 106 ही डज नॉट हैव मच इंसेंटिव डैश वर्क हार्ड। सो 106 करेक्ट ऑप्शन इज बी इंसेंटिव टू वर्क हार्ड। 107 चूज द करेक्ट ऑप्शन आफ्टर पंचुएटिंग द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इसमें आप अच्छे से वीडियो पॉज करके सारे ऑप्शंस देख लीजिए क्योंकि इसमें हमें सिर्फ पंचुएशन मार्क्स ही देखने होते हैं, बाकी स्टेटमेंट तो सेम ही रहती है। सो आई होप आपने सब अच्छे से पढ़ लिया होगा। सो 107 का जो करेक्ट आंसर है वो है ए। एज सीजर लव्ड मी आई वेप्ट फॉर हिम एज ही वाज फॉर्चुनेट आई रिजॉइस्ड एट इट एज ही वाज वैलेंट आई ऑनर्ड हिम बट एज ही वाज एम्बिशियस आई स्लू हिम। सॉरी, सो ए इज करेक्ट आंसर हेयर। सो 108 टॉम हैज एन एग डैश बिकॉज ही कुड नॉट रिमेंबर हाउ टू स्पेल ट्रैक्टर। सो ए ऑन हिज टीथ बी ऑन हिज फेस सी ऑन हिज स्प्रिट एंड डी नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है इसमें से। सो 108 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑन हिज टीथ। 109 ही डैश टू माई एडवाइस सो टर्न्ड अ ब्लाइंड आई बी टर्न्ड अवे फ्रॉम सी टर्न्ड अ डेफ कार एंड डी टर्न्ड ओवर देयर। सो 109 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा सी टर्न्ड अ डेफ कार। थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो रही है और बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है मुझे। सो थोड़ा आज मैनेज कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बनाऊंगी क्लियरिटी के साथ। सो 110 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन इज मैरी पोवेल इज। सो मैरी पोवेल कौन थी। द फर्स्ट वाइफ ऑफ जॉन मिल्टन द मेन कैरेक्टर इन मिल्टन्स कॉमर्स द हीरोइन ऑफ सैमसन एगोनिस्टिस एंड डी द फर्स्ट डॉटर ऑफ जॉन मिल्टन। सो इसका हो जाएगा ए द फर्स्ट वाइफ ऑफ जॉन मिल्टन। और इन दोनों की जो मैरिज हुई थी वो 1642 में हुई थी। वन हंड्रेड इलेवन देयर इज बिटवीन डैश एंटीबायोटिक्स एंड बैक्टीरिया। सो ए नो ग्राउंड लॉस्ट बी नो ब्लड लॉस्ट सी नो लव लॉस्ट एंड डी नो प्राइड लॉस। सो 111 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी नो लव लॉस्ट।
112 he keeps dash his friends through the internet. So out of touch, in touch with, into touch with or off touch with. So 112 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी. देन 113 द टर्म प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इज कॉइंड बाय ए विलियम एम्सन, बी डब्ल्यू के विमसेट जूनियर, सी आई ए रिचार्ड्स एंड डी एफ आर लेविस. सो 113 करेक्ट आंसर इज सी आई ए रिचार्ड्स. 114 हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स इज नोन फॉर हिज अनफॉरगेटेबल सेंस ऑफ ह्यूमर एंड कॉमेडी. सो इन सभी राइटर्स में से बताना है कौन अपने अनफॉरगेटेबल सेंस और ह्यूमर एंड कॉमेडी के लिए जाना जाता है. सो किसने ये यूज किया है अनफॉरगेटेबल सेंस ऑफ ह्यूमर एंड कॉमेडी? सो डी एच लॉरेंस, पी जी वुडहाउस, थॉमस हार्डी और जॉन गॉल्सवर्थी. सो द करेक्ट आंसर इज डी जॉन गॉल्सवर्थी. 115 अ फूट कंसिस्टिंग ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सिलेबल फॉलोड बाय अ वीक सिलेबल इज कॉल्ड. सो इसमें हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पे इन दोनों सिलेबल को मिला के इसमें क्या आएगा, कौन सा इसमें मीटर आएगा. सो ए ट्रोकिक, बी आयम्बिक, सी स्पॉन्डी एंड डी टर्जा रीमा. सो ए ट्रोकिक. देन 116 द बुकर प्राइज इज अवॉर्डेड बाय अ पैनल ऑफ जजेज टू द बेस्ट नॉवेल बाय अ सिटीजन ऑफ ए द यूनाइटेड किंगडम, बी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, सी द यूनाइटेड किंगडम और द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ एंड डी द यूनाइटेड किंगडम और द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ और द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड. सो 116 करेक्ट आंसर विल बी बी द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ. 117 द एनलाइटमेंट बिलीव्ड इन द यूनिवर्सल अथॉरिटी ऑफ रिलीजन, ट्रेडिशन, रीजन और सेंटीमेंट्स. सो 117 इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सी रीजन. 118 द एक्सप्रेशन मर्डरस इनोसेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ. तो इसमें हमें बताना है ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ओग्जीमोरन, जुगमा, कायस्मस एंड पन. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए ओग्जीमोरन, क्योंकि मर्डरस भी आया है और इनोसेंस भी आया है. सो दोनों अपोजिट वर्ड्स हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे ओग्जीमोरन आ जाएगा. ओपोजिट फीलिंग्स के लिए ओग्जीमोरन आता है. 119 अ कर्टल सोनेट कंसिस्ट ऑफ. सो कर्टल सोनेट्स में कितनी लाइंस होती हैं? सो इस सोनेट में होती हैं 11 लाइंस. 120 हु अमंग द फॉलोइंग वुमन राइटर्स फेमसली इमेजिन द प्लाइट ऑफ शेक्सपियर सिस्टर. सो जॉर्ज एलियट, वर्जीना वुल्फ, सी आयरिस मर्डोक एंड डी फ्रांसिस बर्नी. सो 120 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वर्जीनिया वुल्फ. 121 व्हाई इज यूनिवर्सल ग्रामर सो कॉल्ड. सो ऑप्शन ए, इसे आप वीडियो को पॉज करके ऑप्शन सारे अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं सिर्फ करेक्ट आंसर बता देती हूँ आपको. सो करेक्ट आंसर इज बी व्हाई इज यूनिवर्सल ग्रामर सो कॉल्ड. सो इट इज अ सेट ऑफ बेसिक ग्रामेटिकल प्रिंसिपल्स अज्यूम्ड टू बी फंडामेंटल टू ऑल नेचुरल लैंग्वेजेज. देन 120
विलियम शेक्सपियर्स, जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लोपेट्रा एंड कोरियोलेनस आर बेस्ड ऑन, तो किस चीज़ पे बेस्ड हैं ये? ए होलिनसेट क्रॉनिकल्स, बी फोक टेल्स एंड लीजेंड्स, सी ओल्डर रोमन प्लेज एंड डी प्लूटार्क लाइव्स। सो ये तीनों जो शेक्सपियर के रोमन प्लेज हैं, और जितने भी उनके रोमन प्लेज हैं वो किस पे बेस्ड हैं? प्लूटार्क लाइव्स पे। 123, फाइंड आउट द मिस स्पेल्ट ऑफ इनअप्रोप्रिएट वर्ड इफ़ एनी। सो द टाइनी टॉफी वाज प्राइज्ड एट 2 सेंट्स एंड वाज वेरी एक्सपेंसिव फॉर द लिटिल बॉय। सो इसमें हमें फाइंड आउट करनी है मिस स्पेल्ट वर्ड। सो इसमें कौन सा इनअप्रोप्रिएट वर्ड दिया हुआ है ये बताना है हमें। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सी। देन 124, हर टैलेंट इन म्यूजिक केम टू फोर इन द इवेंट दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द कमिटी। सो ए टैलेंट, बी फोर, सी ऑर्गेनाइज्ड एंड डी कमिटी, और ई ऑल करेक्ट। तो इसमें फिर से हमें ढूंढना है कि कौन सा इनअप्रोप्रिएट वर्ड दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। सो द करेक्ट आंसर इज 4। वन ट्वेंटी फाइव, द मैन वॉज रिलीव्ड टू नो दैट हिज इंटरव्यू हैड बीन पोस्टपोन टू अ फ्यूचर डेट। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सी, पोस्टपोन। ओके गाइज, ये प्रैक्टिस सेट हमने ख़त्म कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। सो आपस में कम्युनिकेशन का कोई और मेथड नहीं है, मैं वीडियो बनाती हूँ और आप जो लाइक और कमेंट करते हैं उसी के थ्रू हमारा कम्युनिकेशन होता है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे पता लगता है कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है। सो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता लाइक करने में। अगर वीडियो पसंद आई है और आपको लगता है आपके लिए यूजफुल है तो एक लाइक तो बनता है। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी अलग अलग प्रैक्टिस सेट से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।